चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सर्कल में। ओके सुनिए, आपको ये एनसीईआरटी में भी गिवन है क्वेश्चन, आपको इसमें बोला जाता है अ सर्कल टचेस ऑल द फोर साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। कोई क्वाड्रिलेटरल होगा ए बी सी डी, उसके चारों साइड्स को कोई सर्कल टच करता है पॉइंट बी, पॉइंट क्यू, पॉइंट आर, पॉइंट एस पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में गिवन है, सीबीएसई 2008 2009 में आया। ओके इसमें आपको प्रूफ क्या करना होता है, ए बी प्लस सी डी, मतलब जो ऑपोजिट साइड होती है ना क्वाड्रिलेटरल की। देखिए ए बी और सी डी का जो सम होता है वो मुझे लेके आना होता है बी सी और ए डी के ऊपर। अब इसको लाने का स्टाइल है, इसको लाने का ये स्टाइल है कि सबसे पहले तो जो आपको इन्फॉर्मेशन पता है उसे नोट कर लीजिए, उसमें हेरा फेरी कर लीजिए। हेरा फेरी करने का मतलब अभी मैं बता रहा हूँ, सुनिए। पॉइंट ए से आपके पास दो टेंजेंट आती है, ए एस और ए पी, वो मैंने लिख दिया, ए एस इज इक्वल्स टू ए पी, छोड़ दिया लिख के, ठीक। बी से आपके पास आती है तो आपने लिख लिया बी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू, बी से आती है आपके पास डी एस इज इक्वल्स टू डी आर, सी से आती है आपके पास सी आर इज इक्वल्स टू सी क्यू। सुनो अब इसमें ना थोड़ा सा एडजस्टमेंट करो, चीटिंग कर लो, चीटिंग ऐसे करोगे, यहाँ पे जाओ ए बी, ए बी कौन सी दो बातों से मिलके बना है, ए बी प्लस सी बी, ए बी प्लस पी बी, इसका मतलब है ए बी के नीचे कहीं क्या आना चाहिए, पी बी, ए बी के नीचे क्या आना चाहिए, पी बी, ए बी के नीचे पी बी, ये वाले को मेरे को फ्लिप करना पड़ेगा। बी पी इज इक्वल्स टू क्या होता है, बी क्यू, तो मैं बी क्यू इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, बी पी, BQ is equals to क्या मैं लिख सकता हूँ, BP, BP को मैं क्या लिख सकता हूँ, PB, जो लिखना हो लिख लो, BP को मैंने क्या लिख दिया, PB, अभी भी ये statement ठीक है, देख लो BQ is equals to PB है, BQ is equals to PB है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ से थोड़ी सी cheating करिए, CD, CD लाने का मतलब है मैं CR plus RD, sorry, हाँ हाँ ओके ओके ओके, सी आर प्लस आर डी मेरा लेफ्ट में आना चाहिए, सी आर तो है और आर डी नहीं, तो इसको फ्लिप कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा, तो डी एस डी आर के इक्वल था, तो डी आर डी आर डी एस के, अब राइट हैंड साइड जाइए, क्या लेके आना था, बी सी, बी सी कौन से दो से मिलके बना, बी टू प्लस बी सी, देखिए एक मिनट देख लीजिए, पहले ए बी किससे मिलके बना हुआ है, ए एस प्लस डी एस, ओके ये कहीं कुछ गलत कर दिया हम लोगों ने, एक मिनट भाई, ए बी हाँ आर एच एस साइड ले लीजिए, कोई बात नहीं, देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, इसमें ए बी को लाने के लिए मैं क्या करूंगा, ए पी प्लस बी बी, तो ए पी प्लस बी बी, अच्छा 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 ये राइट में मैं सोच रहा हूँ, है ना, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ये किसको बता रहा है मेरा, कहीं ना कहीं ए बी प्लस सी डी को ऐसे बता रहा है ना, फिर इसको लेने का तो कोई सवाल ही नहीं, उसको मैं क्यों देख रहा हूँ, अब मैं किसको देखूँ, सी डी को, सी डी मुझे कैसे मिलेगा, देखिए जाके सी आर प्लस आर डी, तो सी आर प्लस आर डी, मतलब सी आर कहाँ होना चाहिए था, राइट में ही होना चाहिए था, और डी आर भी कहाँ होना चाहिए था, राइट, अब ठीक है, अब ठीक है, ऐड कर दो, तो दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री एंड दिस इज फोर, सबको ऐड कर दीजिए उठा के, तो देखिए एलएचएस एलएचएस में ऐड हो जाएगा, ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस, या एक काम आप और भी तो कर सकते हैं, देखिए लोग कुछ कंफ्यूज नहीं होना भाई बिल्कुल भी, ठीक है, कंफ्यूज नहीं, ऐसा ना बना के मैं ऐसा बना लूं तो गलत है क्या, AP is equals to AS, सारे राइट को लेफ्ट में ले आओ, सारे लेफ्ट को राइट में, तो ये दूसरा क्या हो जाएगा, PB is equals to BQ, तीसरा क्या हो जाएगा, DR is equals to DS, और चौथा क्या हो जाएगा, CR is equals to, इसको आप 1 2 3 4, सब स्टाइल समझ में आया, देखो भाई अगर आप वहां पे ना फ्लिप नहीं करोगे तो आप जब ऐड करोगे तो आप खुद ही कंफ्यूजन में पड़ जाओगे, उसी में घूमते रहोगे, फिर परेशान हो जाओगे, छोड़ दोगे, ठीक, होता बहुत इजी है,
टू मार्क्स का क्वेश्चन है, बस ऐड कर दीजिए सबको, तो LHS LHS में ऐड हो जाएगा, मतलब AB प्लस PB प्लस DR प्लस CR इज इक्वल्स टू RHS RHS में ऐड हो जाएगा। क्या किया हमने, एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 and 4 RHS AS प्लस BQ प्लस DS प्लस CQ, ओके। हाँ भाई, AP प्लस PB क्या देता है, AB प्लस DR प्लस CR, DR प्लस CR क्या देता है, CB, BC प्लस AS प्लस BQ क्या देता है, AS प्लस BQ कुछ नहीं देता है, लेकिन AS प्लस SD, AS इन दोनों को इंटरचेंज कर लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा DS और यहाँ क्या आ जाएगा BQ, अब ठीक है, AS प्लस DS क्या देता है, AD प्लस BQ प्लस CQ क्या देता है, BC, यही लेके आना था, प्रूफ हो गया, करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमको बोला जाता है कि इफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, CBSE 2008 2002 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है, NCERT का क्वेश्चन है। देखिए इसमें आपको बोला जाता है, इफ ऑल साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ऑल साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, तुरंत हमें पता चल गया कि ये जो ABCD गिवन है ये क्या है, पैरेललोग्राम। तो एक इंफॉर्मेशन तो मैंने नोट कर ली फटाफट कि मुझे क्या पता है, ABCD इज अ स्ट्रक्चर बना दे, ओके, ABCD इज अ पैरेलल, सुनो पैरेललोग्राम की मेरे को कैरेक्टरिस्टिक्स पता है, प्रॉपर्टीज, ऑपोजिट साइड इक्वल होगी तो चलो लिख लेते हैं शायद काम आ जाए, नहीं क्या, AB इज इक्वल्स टू CD या DC जो बोलना है बोल लीजिए, एक ये लिख के छोड़ दीजिए, और AD इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, BC, ओके, अच्छा सुनिए, अब फिर से क्वेश्चन पढ़िए, कहता है कि इफ ऑल साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम टच अ सर्कल, प्रूफ दैट द पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस, पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। क्वाड्रिलेटरल में बहुत सारी फैमिली होती थी याद है, क्लास 8 में ही हमने पढ़ा होगा, ठीक है, एक ऐसा पॉलीगन जिसके चार साइड्स फोर साइड्स होते थे वो क्वाड्रिलेटरल कहलाता था, और क्वाड्रिलेटरल की फैमिली में पैरेललोग्राम आता था, पैरेललोग्राम की फैमिली में रेक्टेंगल आता था, और क्या आता था, स्क्वायर आता था, और क्या आता था, रोम्बस आता था, ठीक है ना, तो ये सारी चीजें, काइट आता था याद है आपको, तो उसमें हमें रोम्बस की प्रॉपर्टी बहुत अच्छी याद है, क्या होता है रोम्बस में, ऑल साइड्स आर इक्वल, ओके, तो नोट कर लेते हैं फटाफट, देखिए रोम्बस की कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब अगर मुझे इसे रोम्बस दिखाना है इस पैरेललोग्राम को, तो देखिए भाई ऑपोजिट साइड तो है ही इक्वल, किसी भी तरीके से अगर मैं AB को BC के इक्वल दिखा दूं, चाहे मैं AB को DA के इक्वल दिखा दूं, चाहे मैं BC को DA के, मतलब एक वर्टेक्स से निकलने वाली जो साइड होंगी, ये वर्टेक्स है, ये निकली, ये, इन दोनों को अगर मैं इक्वल दिखा ले जाऊं, ठीक है, जो भी किसी एक एंगल को बनाने के लिए जिम्मेदार है वो लाइन सेगमेंट जो एक एंगल बनाने में जिम्मेदार है, अगर ये इसके इक्वल हो जाए तो चारों आपस में क्या हो जाएंगे, क्योंकि भाई अगर ये इसके इक्वल हो जाएगी, मतलब AB AD के अगर इक्वल हो जाएगी, तो ये तो है ही है इसके, और ये तो है ही है इसके, इक्वल, चारों आपस में इक्वल हो जाएंगे, मतलब किसी भी दो लग एक वर्टेक्स से निकलने वाली कोई भी दो साइड को आप इक्वल कर देंगे तो चारों आपस में इक्वल हो जाएंगे, और वो क्या कहलाएगा, रोम्बस। इसके लिए देखिए बहुत ईजी है, आराम से हम कर सकते हैं, किस तरीके से देखिए, जितनी भी इंफॉर्मेशन मुझे पता है वो मैं नोट कर लेता हूँ, क्या क्या मुझे पता है, AP is equals to AS और इसमें सेटिंग भी करनी पड़ेगी, वो हम कर लेंगे, BP is equals to BQ, ठीक है ना, BP is equals to BQ, और बताइए CQ is equals to CR या CR is equals to CQ, जो लिखना हो लिख लीजिए, उसके बाद DR is equals to DS. देखिए इसमें हमें कुछ ये करना पड़ेगा कि अगर हम इनको ऐड करें, अगर हम इनको ऐड करें तो कुछ बनना चाहिए, अभी भी एक क्वेश्चन किया था आपने, ठीक है ना, एक क्वेश्चन अभी भी आपने किया था, उसमें
उसमें हमको बोला गया था ऑपोजिट साइड हमें इक्वल करनी है ना, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी सेटिंग करो कि आपको ऑपोजिट साइड ना इक्वल मिले। ऑपोजिट साइड तो भाई है ही इक्वल, आप कुछ ऐसी सेटिंग करिए इसमें कि आपको दो कंसेक्यूटिव साइड इक्वल मिल जाए, मतलब ए बी बी सी के इक्वल मिल जाए, या तो ए बी ए डी। तो सपोज मैं इस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ कि ए बी बी सी के इक्वल मिल जाए, तो मैंने फटाक से लिख दिया मुझे ऐसी सेटिंग करनी है कि ए बी किसके इक्वल मिल जाए, बी सी के इक्वल मिल जाए, ठीक है ना। इसको करने के लिए ठीक है, ए बी बी सी के इक्वल अगर तब मिलेगा जब ए बी में सी डी ऐड होगा और ए डी, ए बी प्लस सी डी, ओके ठीक है। बी सी देखिए इसमें एक चीज और है, इसमें एक और गेम है उसे भी देखिए। देखिए कहीं ना कहीं ये मुझे अभी मैंने जो पुराना क्वेश्चन किया था उसमें मुझे कुछ इस तरीके का मिलता था, याद आया आपको, सुनिए क्या जो अभी अभी मैंने पुराना क्वेश्चन किया उसमें मुझे ए बी और सी डी का सम याद आया, ये ओल्ड क्वेश्चन है लास्ट वन, उसी से आपको बनेगा ये, वरना बनेगा नहीं भाई। समझ लीजिए ए बी प्लस सी डी जो था मेरा, याद करिए फटाफट, ए बी प्लस सी डी जो था मेरा वो बी सी प्लस ए डी के, अरे भाई ऑपोजिट साइड का सम इक्वल आया था भाई। थ्योरम जैसा क्यों नहीं उसको हम लोग याद कर लेते हैं कि किसी क्वाड्रिलेटरल को अगर कोई सर्कल टच करते हुए जाता है, मतलब कोई सर्कल अगर सर्कमस्क्राइब है किसी क्वाड्रिलेटरल में, तो पक्का ऑपोजिट साइड का सम क्या होता है, इक्वल किया था। सुनो एक काम कर लो, फिर से वही काम कर लो और फायदा हमारा ये होगा, सुनिए क्या फायदा होगा आपको यहाँ पे पहुंचना, यहाँ पे पहुंचने का स्टाइल देखिए भाई। देखो एडी इस कंडीशन में स्पेशल, ये स्पेशल क्वेश्चन है ना यहाँ, कोई वो नॉर्मल पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम नहीं है, सॉरी कोई वो नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल थोड़ी ना है, वो क्या है पैरेललोग्राम। तो अगर मैं ऑपोजिट साइड का सम फिर से इक्वल दिखा ले जाता हूँ पुराने क्वेश्चन वाले स्टाइल से, तो तुरंत मैं बोलूंगा कि भाई AD तो किसके इक्वल है, BC के। इसका मतलब मैं फटाक से AD की जगह क्या लिख दूंगा, BC, और BC प्लस BC क्या हो जाएगा। इसी तरीके से मैं AB को, सॉरी CD को किसके इक्वल रख दूंगा, AD के, और AB प्लस AB क्या हो जाएगा, टू टाइम्स AB, टू टाइम्स AB, टू टाइम्स BC के इक्वल हो जाएगा, कट जाएगा, AB BC के इक्वल हो जाएगा। ये हमारी अप्रोच है, लास्ट वाले क्वेश्चन का ही हमको हेल्प लेना है, तो सबसे पहले तो हम ये कर ले जाएं, समझ रहे हो। और ये करने के लिए वही अपना स्टाइल है, एबी को लाने के लिए जिम्मेदार कौन है, ढूंढिए एपी और बीबी, एपी तो है बीबी भी है, चलेगा आगे बढ़िए। सीडी को लाने के लिए जिम्मेदार कौन है, डीआर और सीआर, ढूंढिए आपको मिल रहा है, डीआर तो मिल रहा है सीआर नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या करूंगा मैं, ये जो थर्ड वाला है इसको फ्लिप कर लो, ये इसमें गेम होता है इस क्वेश्चन, बाकी कुछ नहीं, आपको चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी, नहीं करोगे फ्लिप तो घूमते रहना उसी में फिर, ठीक है। तो सी आर इज इक्वल टू सी क्यू भी लिख सकता हूँ, बन गया बस, क्या कर देंगे एड 1 2 3 4 ओके एड कर लीजिए। देखिए एल एच एस को नोट कर लेते हैं यहाँ पर, क्या करेंगे एडिंग इक्वेशन 1 2 3 and 4 ओके, ए बी प्लस पी बी, ए बी प्लस पी बी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल्स टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करिए इसमें, ए बी प्लस पी बी फिगर देखते जाइए क्या देता है आपको, ए बी प्लस सी आर प्लस डी आर आपको क्या देता है, सी डी इज इक्वल्स टू ए एस प्लस बी क्यू आपको क्या देता है, ए एस प्लस बी क्यू कुछ नहीं देता है, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ए एस के पास किसको लेके आएंगे, तो यहाँ क्या लिख दूंगा डी एस, और यहाँ क्या लिख दूंगा बी क्यू, इंटरचेंज कर लूंगा पोजिशन, ए एस प्लस डी एस कितना हो जाएगा ए डी,
प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू कितना हो जाएगा बीस आ गया। अब क्या लिखेंगे, सिंस कौन किसके इक्वल है, सी डी इज इक्वल टू ए बी है एंड ए डी इज इक्वल टू व्हाट इज द रीजन ऑपोजिट साइड्स ऑफ आर दिस इंप्लाइज दैट ए बी प्लस सी डी की जगह ए बी इज इक्वल टू ए डी की जगह मैं क्या रख दूंगा बी सी प्लस बी सी टू टाइम्स ए बी इज इक्वल टू लास्ट स्टेप देखिए ए बी प्लस ए बी टू ए बी टू टाइम्स ए बी इज इक्वल टू टू टाइम्स बी सी टू टू गेट्स कैंसल्ड ए बी इज इक्वल टू बी सी। अगर ए बी बी सी के इक्वल आ गया ए बी अगर बी सी के दिस इंप्लाइज दैट कि भाई ए बी किसके इक्वल आ गया बी सी के लेकिन बी सी किसके इक्वल था ए डी के तो उसके सामने मैं क्या लिख सकता हूँ ए डी ठीक है और एक और बच रहा है कोई ए बी किसके इक्वल था डी सी ए बी के सामने मैं क्या लिख सकता हूँ डी सी तो इसका नाम डाल लीजिएगा वन टू जो भी है क्या डालना चाहते हो फोर्थ फिफ्थ तो फ्रॉम फोर्थ फिफ्थ बस इसको फोर्थ रख लो फोर्थ नहीं फिफ्थ फिफ्थ और ये क्या हो जाएगा सिक्स और ये क्या हो जाएगा फ्रॉम फिफ्थ सिक्स एंड सेवन्थ ए बी तो बी सी के इक्वल था ही सिक्स और सेवन्थ से बी सी ए डी के इक्वल था तो मैंने सामने ए डी लिख दिया सिक्स से ए बी डी सी के इक्वल था तो मैंने सामने डी सी लिख दिया तो ऑल फोर साइड्स आर इक्वल तो इस क्वाड्रिलेटरल की ऑल फोर साइड्स आर इक्वल है दैट्स व्हाई इट इज अ रॉम्बस ओके।